इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज ब्रेक होके आई है कि अगले नेक्स्ट ईयर से इंडियन फुटबॉल फैंस को काफी सारे इंटरनेशनल मैच देखने को मिलेंगे इंडियन फुटबॉल के। तो कल्याण चौबे जी ने कहा है कि इंडियन फुटबॉल टीम को नेक्स्ट ईयर से 24 पर ईयर उससे ज्यादा मैच इंडियन टीम के देखने को मिलेंगे। तो अच्छे अच्छे इनिशिएटिव ले रही है हमारी एएफ टीम के लिए कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हमारी इंडियन फुटबॉल टीम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेलते हुए नजर आएगी और हमारे इंडियन फुटबॉल फैंस को काफ़ी सारे मैच देखने को मिलेंगे इंडियन फुटबॉल टीम के। तो अब बात करते हैं डोरन कप टूर्नामेंट की। कल से डोरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की आगाज हो चुका है जो कि 1 महीने तक चलेगा, 3 अगस्त से लेकर ये 3 सितंबर तक टूर्नामेंट चलेगा और इसमें इंटरनेशनल फ्लेवर का भी तड़का दे दिया है। इसमें बाहर से भी टीमों को इनवाइट किया गया है, तो बाहर से भी हमारी नेवेंस कंट्रीज के फुटबॉल क्लब एंडोरन कप टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एएफ ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इस टूर्नामेंट के अंदर इंटरनेशनल फ्लेवर का रंग दे दिया है और कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो कल पहला मैच खेला गया था मोहन बगान सुपर जायंट्स वर्सेस बांग्लादेश आर्मी, इन दोनों के बीच मैच खेला गया था और एक तरफा मैच था। हमारी मोहन बगान सुपर जायंट्स ने बांग्लादेश आर्मी को 5-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। ये मैच हमारी मोहन बगान सुपर जायंट्स ने इजीली इस मैच को जीत लिया और मोहन बगान सुपर जायंट्स ने अपनी मैन टीम नहीं उतार दी। इसके अंदर हमारे मैन खिलाड़ी नहीं खेले थे कल कल वाले मैच के अंदर और ये पूरा मैच वन साइड मैच था। मोहन बगान ने इस मैच को इजीली जीता और मोहन बगान सुपर जायंट्स ने कल वाले मैच के अंदर अपनी मैन टीम नहीं उतार दी। कोई भी फॉरन प्लेयर इस मैच के अंदर नहीं खेला था। मोहन बगान सुपर जायंट्स के जितने भी प्लेयरों ने गोल किए थे सभी अलग अलग प्लेयरों ने इस मैच के अंदर गोल किए थे। अच्छी मेन प्लेयर खेले गए थे मोहन बगान सुपर जायंट्स के कल के मैच के अंदर, लिस्टन कोलाको और मनवीर सिंह, इन्होंने एक एक गोल मारा था कल के मैच में और सब्स्टिट्यूट में कियान निसारी थे जिन्होंने कल के मैच में एक गोल मारा था। तो कुछ ही प्लेयर को खिलाया गया था कल वाले मैच में और इजीली मोहन बगान सुपर जायंट्स ने 5-0 से बांग्लादेश आर्मी को हरा दिया। तो जीत के साथ मोहन बगान सुपर जायंट्स ने आगाज कराया है डूरन कप के अंदर। तो अब बात करते हैं आज होने वाले मैच की, डूरन कप के दूसरे मैच की, जो कि है नॉर्थ ईस्ट वर्सेस शिलोंग लाजोंग। दोनों ही एक नॉर्थ ईस्ट की टीमें हैं, दोनों ही इस टूर्नामेंट की अंडरडॉग टीमें हैं। तो शाम को ये 6 बजे मैच खेला जाएगा, गुवाहाटी के अंदर ये मैच होगा। तो इन सभी डूरन कप का मैचों का मजा आप सोनी नेटवर्क पे ले सकते हो। सोनी 10 पे इसको टेलीकास्ट किया जा रहा है क्योंकि सोनी नेटवर्क ने इस डूरन कप टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को खरीद लिए हैं। तो आप इन सभी मैचों को आप सोनी नेटवर्क सोनी 10 पे जाके देख सकते हो। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।